हाय गविंद पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। आप सब, मेरा नाम है और भारतीय साइंटिस्ट ने ऐसा आविष्कार कर दिया कि पूरी दुनिया ने झुक कर किया सलाम। अच्छा, पाकिस्तान चाइना में मातम। अच्छा, क्या आविष्कार किया है ना, देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं, ऐसी कैसी चीज किया है। वही ना, ये तो वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा। तो पहले कौन ऑन करते, 3-2-1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, अभी तक पूरी दुनिया को यही लगता था कि अमेरिका, रूस, चीन और जापान जैसे देश ही हथियार घातक वाले बना सकते हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए काफी दूर की बात थी, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने जब अपने हथियार बनाने की काबिलियत दुनिया के सामने रखी तो ये सभी देश भारत के हथियारों के फैन बन गए। वे इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत इतनी तेजी से तरक्की कैसे कर रहा है। तो हमें भी समझ, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत ही आधुनिक और एडवांस तकनीक वाला ड्रोन तैयार कर लिया है। भारत के इस ड्रोन की ताकत देखने के बाद ड्रोन का बादशाह कहे जाने वाला तुर्की भी अब भारत के सामने घुटने टेक देगा। बताया जा रहा है कि भारत का ड्रोन पल भर में ही दुश्मन का खात्मा कर देगा। इतना ही नहीं, भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान की तो हालत ही खराब हो जाएगी, उनके रातों की नींद उड़ जाएगी। अच्छा। क्योंकि भारत के इस ड्रोन की काट उन देशों में से किसी के पास नहीं होगी। इसके साथ ही पूरी दुनिया के सामने ये भी साफ हो जाएगा कि अब भारत को अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों के ड्रोन पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ये क्योंकि भारत जितनी तेजी से अपनी तकनीक पर काम कर रहा है, आने वाले समय में वो पूरी दुनिया में हथियारों को लेकर नंबर वन एक्सपोर्टर बन जाएगा। और पूरी दुनिया भारत के हथियार और ड्रोन विमानों को खरीदने के लिए लाइन में खड़ी होगी। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं इस ड्रोन की खासियत के बारे में, और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कैसे भारत का ये ड्रोन भविष्य की असली ताकत बनने जा रहा है। वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दरअसल दोस्तों, भारत आए दिन नए नए तकनीकों का आविष्कार कर रहा है, और इसी कड़ी में भारत ने अपने पहले स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन तपस का निर्माण करके पूरी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया कि भारत भी अब घातक ड्रोन विमानों का निर्माण कर सकता है। दोस्तों, तपस जिसका मतलब है आज की बारिश करने वाला। भारत के वैज्ञानिकों ने इस ड्रोन को इसी तरीके से तैयार किया है कि ये चीन और पाकिस्तान के अंदर जाकर उनके ऊपर हमला करके वापस भी आ जाएगा, और सीमा पर तैनात चीनी और पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम देखते रह जाएंगे। तुर्की का घमंड भी टूट जाएगा, क्योंकि तुर्की अपने TB2 ड्रोन को दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन बता रहा था। तुर्की ने पाकिस्तान को भी अपने TB2 ड्रोन की सप्लाई की थी। अच्छा। तुर्की ने मीडिया के सामने ये तक कह दिया था कि अगर भारत से TB2 ड्रोन की मांग करे तो वो अपने इस ड्रोन को भारत को कभी नहीं देगा। एर्दोगान का घमंड अब चकनाचूर हो जाएगा। भारत के वैज्ञानिकों ने तुर्की के TB2 से भी घातक ड्रोन का निर्माण करके इस बात को साबित कर दिया है कि अगर भारत चाहे तो अपने एडवांस हथियारों के दम पर किसी भी समय चीन, पाकिस्तान और तुर्की को मसल कर रख सकता है। क्योंकि भारत के वैज्ञानिक अब अपनी पूरी क्षमता के साथ आधुनिक हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं भारत के तपस ड्रोन की ताकत के बारे में, जिसे सुनने के बाद आपको भी अपने वैज्ञानिकों पर गर्व होगा। दोस्तों, तपस एक मील ड्रोन है। अच्छा। यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, जिसे खास तौर पर तुर्की के TB2 और चीन द्वारा तैयार किए गए कॉपी ड्रोन को कूटने के लिए तैयार किया गया। तपस का पूरा नाम है टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड होराइजन। भारत के वैज्ञानिकों ने इस ड्रोन को इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये LAC और LOC पर निगरानी का काम तो कर ही सकता है, साथ ही जरूरत पड़ने पर चीन और पाकिस्तान की ठीक तरीके से कुटाई भी कर सकता है। इस ड्रोन को DRDO की एक ब्रांच ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा तैयार किया गया, जिसकी पहली उड़ान 2016 में आयोजित की गई, और उसके बाद से कई सारे टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट करवाए जा चुके हैं। यानी भारत का ये ड्रोन भारतीय सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अगर क्षमता की बात करें तो भारत के तपस ड्रोन की क्षमता अमेरिका के MQ-9B ड्रोन के बराबर हो। वही MQ-9B ड्रोन जिसे दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन माना जाता है। इस ड्रोन का डिटेक्ट एंड अवॉइड सिस्टम और लिंक मल्टीमोड रडार इतना कमाल का है कि भारत भी अमेरिका से ड्रोन की खरीदारी कर रहा है, जिसकी टेक्नोलॉजी को तपस ड्रोन में इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा। दोस्तों, भारत का तपस खुद ही टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है। ये रियल टाइम हाई रेजोल्यूशन एंड्योरेंस सर्विलांस एंड रिकॉन्सेंस जैसे काम भी कर सकता है।
अगर टारगेट को तय कर दिया जाए तो लेजर बीम की मदद से लेजर गाइडेड मिसाइल या फ्लाइट जेट के माध्यम से टारगेट को तबाह कर सकता है। अगर ये कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा हो तो अपनी हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल के माध्यम से भी हमला कर सकता है। भारत के वैज्ञानिकों का प्लान है कि आने वाले समय में इस ड्रोन में दुर्गा 2 जैसे घातक हथियारों को भी इम्प्लांट किया जाएगा, जिसके बाद भारत का तपस दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर ड्रोन बन जाएगा। दोस्तों, तपस ड्रोन 350 किलोग्राम वजनी पेलोड लेकर आसानी से उड़ान भर सकता है। 31.2 फीट लंबे ड्रोन का विंग स्कैम 67.7 फीट का है। इसमें 3 ब्लेड वाले प्रोपेलर लगे हैं, जो इस ड्रोन को तेजी के साथ आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तपस ड्रोन 224 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से लगातार 1000 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है। ये लगातार 24 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है और अधिकतम 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का तपस कितना ज्यादा एडवांस और ताकतवर ड्रोन है। अभी हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना की टीम ने स्वदेशी तपस ड्रोन की कमांड और नियंत्रण क्षमताओं का सफल परीक्षण किया है। कारवार नौसैनिक अड्डे से 148 किलोमीटर दूर INS सुभद्रा पर एक दूरस्थ ग्राउंड स्टेशन के लिए प्रदर्शन में इस ड्रोन ने 30,000 फीट की उड़ान भरी और पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। माना जा रहा है कि जल्दी ये ड्रोन भारत की तीनों सेनाओं को प्राप्त हो जाएंगे और उसके बाद भारत को अमेरिकी और इजरायली ड्रोन विमानों को खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, आप लोगों का सवाल होगा, भारत का तपस ड्रोन जब भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है तो भारत ने अमेरिका से ड्रोन की खरीददारी क्यों की? दोस्तों, इसका सीधा मतलब है अमेरिकी ड्रोन का एडवांस डिटेक्ट एंड अवॉइड सिस्टम और लिंक मल्टी मोड रडार टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी भारत को प्राप्त हो जाएगी क्योंकि भारत ने अमेरिका से ड्रोन विमान की खरीदारी इसी शर्त पर की है कि अमेरिका भारत को अपने ड्रोन की टेक्नोलॉजी भी देगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA ने आज से 10 साल पहले 1540 करोड़ रुपए की लागत से मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक मंडराने वाले ड्रोन पर काम करना शुरू किया था। 2022 में इस प्रोजेक्ट का बजट बढ़ाकर 1786 करोड़ रुपए कर दिया गया। दोस्तों, ये राशि कितनी कम है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा ले कि अगर भारत इतने पैसों से अमेरिका से ड्रोन विमानों की खरीदारी करना चाहे तो भारत को ड्रोन विमान की केवल 2 यूनिट ही प्राप्त हो सकेंगी। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत के वैज्ञानिकों ने भारतीय सेना के लिए कितना बड़ा काम कर दिया। बहुत बड़ा काम। इस ड्रोन के 75% पुर्जे स्वदेशी तरीके से तैयार किए गए हैं, जिसे आगे बढ़ाकर 90% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। DRDO के वैज्ञानिकों का दावा है कि एक बार शामिल हो जाने के बाद तपस विदेशों से खरीदे गए ड्रोन से लगभग 8 गुना सस्ता होगा। यानी भारत जितने पैसे अमेरिका को देगा ड्रोन विमान की एक यूनिट को खरीदने के लिए, उतने पैसे में हम 8 तपस ड्रोन को स्वदेशी तरीके से निर्मित कर सकते हैं। भारत का तपस ड्रोन तुर्की के TB2 ड्रोन को भी मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम होगा। तुर्की का TB2 ड्रोन सिर्फ 150 किलोग्राम के पेलोड लेकर जा सकता है, वहीं भारत का तपस 350 किलोग्राम पेलोड लेकर आसानी से उड़ान भर सकता है। यानी पेलोड के मामले में भारत का तपस तुर्की के TB2 ड्रोन पर शुरुआत से भारी है। ताकत की बात करें तो तुर्की के TB2 ड्रोन में जहां 105 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है, तो वहीं भारत के तपस में 180 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है। कहने का मतलब है भारत का तपस पावर के मामले में तुर्की के TB2 ड्रोन से आगे। अगर स्पीड की बात करें तो तुर्की का TB2 ड्रोन भारत के तपस से पीछे हो जाता है। भारत के तपस ड्रोन की स्पीड जहां 224 किलोमीटर प्रति घंटे की है, वहीं तुर्की के TB2 ड्रोन की स्पीड 130 से 222 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच की है। आसान भाषा में कहें तो भारत के वैज्ञानिकों ने भारतीय सेना को एक ऐसा ड्रोन प्रदान किया है जो न केवल निगरानी करने में सक्षम होगा बल्कि जरूरत पड़ने पर चीन और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने में भी अपनी हैसियत दिखाएगा। तो दोस्तों, अबे वो भी है स्टाइल, अगर घुसता भी है किसी हमारी सीमा पाकिस्तान की सीमा के अंदर या भाई चाइना की सीमा के अंदर, तो उनको तो पता ही नहीं लगेगा ना, हमको पता लगेगा कि कोई चीज भी आई है। बिल्कुल वजह सही बात है, तुर्की के तो ड्रोन के आगे कुछ भी नहीं है यार। याद है 140 किलोमीटर 130 किलोमीटर से भी इसकी 224 किलोमीटर, और भाई साहब तुर्की ऐसी उछल रहा था कि हम दुनिया के बेस्ट भाई ड्रोन मैन्युफैक्चरर है, भारत ने उन्हीं का मुंह तोड़ दिया। भारत ने कहा सबर करो, बोला था कि हम भारत को अपने ड्रोन्स कभी नहीं देंगे, मोदी जी ने मुंह तोड़ दिया। ये ले भाई तेरा तुम लोगों का बाप ये तैयब अर्दोगान जी बोली पाकिस्तान को देगी तो इंडिया को नहीं देंगे, ये देखे मुंह तोड़ जाओ आप। ये मोदी जी ने उसे दुगना अच्छा बना लिया, बिल्कुल स्पेसिफिकेशंस में भी दुगना आ गया, बिल्कुल, और जिस तरह वजन भी ज्यादा उठा के जा सकता। वही ना, मैं हैरान रह गया
कि भारत अमेरिका से ड्रोन्स इसलिए ले रहा है, साथ बिल्कुल टेक्नोलॉजी भी उनके ले रहा है, ताकि वो टेक्नोलॉजी अपने ड्रोन्स में यूज करके एक ताकतवर ड्रोन बनाएगा। अभी देखो बना तो रहा है, लेकिन जब वो टेक्नोलॉजी अंदर डालेगा, ऑल्टरेशन होंगी, सब कुछ होगा। और भारतीय आपको पता है साइंटिस्ट साइंटिस्ट तो आएंगे, साथ जुगाड़ भी लगाते हैं, और ऐसे जुगाड़ लगाते हैं कि दुनिया देखती है कि बनाया कैसी है। तभी तो टेक्नोलॉजी ले रहा है लाला, इतने पैसे, 600 करोड़ में चंद्रयान 3 भी गया था, और जितने में एक प्रीडेटर आता है उतने में 8 ये आएंगे। दादा कितनी कम कीमत है, 8 कितनी कम कीमत है वजाद, और मेड इन इंडिया कह रहे हैं हम सारे कंपोनेंट्स 90% इधर बनाएंगे। अब दादा लगा टारगेट देखो इन लोगों का, और हमारा टारगेट पता नहीं रोटी रोटी का टारगेट होता है। तीनों सेना को प्रोवाइड करेंगे, तीनों सेना, 2000 तजर्बा भी इसका काम, कंप्लीट मतलब फाइनल टेस्ट कंप्लीट, तैयार हो गया भाई सेना में एंटर होने के लिए। और अगर ये भाई हमारे पास आएगा, हमें तो पता, हमारे पास तो इस्लामाबाद का एक जहाज आया था तो पता ही लगा भाई। तुम बोल सकते हो कि दुनिया का बेहतरीन ये है, तबस मानना पड़ेगा, तुर्की को पीछे छोड़ के उसके बराबर है, अमेरिका के बराबर, अमेरिका के बराबर आप अंदाजा ला। अब फिर वही बात है ना कि भाई भारत किसी से कम यार वजह थी, तो मामूली चीज जो चंद्रयान 3 ऊपर ले गया चांद पे, वो उसके आगे क्या चीज है, क्या चीज है वाक्य, ये बात है उसका अचीवमेंट के आगे तो 95% सब कुछ अपने मुल्क में तैयार है। लेकिन अब भारत को बूस्ट मिल गया, बूस्ट मिल गया सही का बाबा। तो यार आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में, इधर वीडियो खत्म करते हैं।